हेलो एवरीवन, मैं सोनल मालाकार आप सभी का मेरे इस चैनल माँ बच्चा में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज फिर एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। कल महाशिवरात्रि है तो सोचा वीडियो इस पर बना ली जाए, तो मैंने अपने बेबी का इसी थीम पर दो अलग अलग तरह से वीडियो शूट किया है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। आप भी अपने बेबी के फोटोशूट में ये आइडिया ले सकते हैं। आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए और जो हमारे चैनल पर न्यू है वो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। आज दो तरह के आइडिया शेयर कर रही हूँ। मैंने घर पर ही अवेलेबल सारी चीज़ों से ये फोटोशूट और वीडियो बनाया है। यहाँ पर मैंने ट्री को बनाने के लिए दुपट्टे और टी शर्ट का यूज़ किया है और शिवलिंग बनाने के लिए मैंने ब्लैक दुपट्टे का और ब्लैक कलर की टी शर्ट का यूज़ किया है और मैंने ये शिवलिंग कम्प्लीट किया है। देखिए इस तरह से। ये इस तरह से शिवलिंग मंदिर कम्प्लीट हो गया। पेपर से मैंने तिलक बनाया है और क्राफ्ट पेपर से मैंने त्रिशूल बनाया है। और मेरे बेबी के पास डमरू था तो वो मैंने इस वीडियो में यूज कर लिया है और कुछ व्हाइट कलर के फ्लावर से डेकोरेशन किया। कुछ फ्रूट्स अवेलेबल थे तो वो भी मैंने वीडियो में यहाँ पर रख दिए थे और रोज पेटल थे जो मैंने इस तरह से डेकोरेशन में यूज किए हैं। फाइनली हमारा ये शिवलिंग रेडी हो गया और ये शिव जी भी आ गए हैं। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये सेकेंड आइडिया जिसमें मैंने साबुदाने से शिवलिंग बनाने वाली हूँ। मैंने साबुदाने इसलिए यूज़ किए हैं क्योंकि उसका कलर एकदम वाइट से शिवलिंग दिखेंगे। मैं राइस का भी यूज़ कर सकती थी और यदि आपको करना है तो आप राइस से भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे साबुदाने लिए क्योंकि वो एकदम वाइट कलर दिखेगा इसलिए। इस तरह से मैंने साबुदाने का यूज करके उसे सेट करके शिवलिंग का शेप दिया। शिवलिंग बनाने के बाद उस पर कुछ थोड़ा सा डेकोरेशन कर दिया मैंने। रोज पेटल इस तरह से दिखे कि वो शिवलिंग पर फ्लावर्स फ्लावर चढ़ाए हुए हैं।
इस तरीके से मैंने ये शिवलिंग क्रिएट किया। एंड ये देखिए मेरी बेबी गर्ल जिसे मैंने पार्वती बनाया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।